समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब से सरकारी बंगला खाली किया है तब से वो योगी सरकार के निशाने पर है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री है, लेकिन इसके बाद भी उनको कोई रहने का ठिकाना नहीं मिला। ऊपर से उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके ऊपर सरकारी बंगले में तोड़फोड़ और सरकारी सामान अपने साथ ले जाने का आरोप लगा दिया। फिलहाल अखिलेश यादव ने अब राहत की सांस ली, क्योंकि वो और उनकी फैमिली शुक्रवार को अपने नए बंगले में शिफ्ट हो गए। उनका नया आवास सुल्तानपुर रोड पर अंसल की टाउनशिप सुशांत गोल्ड सिटी का विला नंबर C2 190 व 191 है। अंसल टाउनशिप के ही एक अन्य विला में उनके पिता मुलायम सिंह यादव पहले ही शिफ्ट हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपना सरकारी बंगला खाली कर अभी तक वीवीआईपी गेस्ट हाउस में परिवार के साथ रह रहे अखिलेश शुक्रवार को परिवार के साथ अपने नए बंगले में पहुंचे। यहां पूजा अर्चना के बाद गृह प्रवेश हुआ। खुद अखिलेश यादव ने पूजा पाठ और परिवार जनों का फोटो ट्वीट कर लोगों को जानकारी दी। अखिलेश यादव 2019 के चुनाव की तैयारी में जुट गए। उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि वो 2019 में कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। SPN नैनीजुरम की रिपोर्ट।